आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिस सोशल मीडिया को पॉलिटिकल टूल बनाकर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के आईटी सेल ने 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत पाया था इस देश में, क्या बीजेपी का वो आईटी सेल डगमगाने लगा है? क्या सोशल मीडिया का जो एम्पायर था बीजेपी का वो चरमराने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि राहुल गांधी, जो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कहीं नहीं टिकते थे, वो इस दौर में पीएम नरेंद्र मोदी को न केवल टक्कर दे रहे हैं बल्कि उनसे आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव रहने वाले राजनेता हैं पूरी दुनिया में। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, जिसके आगे दुनिया का कोई दूसरा राजनेता टिकता भी नहीं है। लेकिन भारत में पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, जो आज से 5 साल पहले सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं टिकते थे, राहुल गांधी फॉलोअर्स के मामले में, व्यूज के मामले में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी से बहुत दूर थे। लेकिन इस बीच अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या देश की हवा बदल रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया था बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। उसके बाद बीजेपी का आईटी सेल वैसे तो 2005 में उसका गठन किया गया, 2010 और 11 में उसकी कुछ बैठकें भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग उस आईटी सेल का बीजेपी नहीं करती थी और सोशल मीडिया का वो दौर भी उतना हाइप नहीं था जितना इस वक्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद जो कैंपेन बीजेपी के आईटी सेल ने शुरू किया वो लाजवाब था। लेकिन धीरे धीरे उस पर ये भी आरोप लगने लगे कि उसमें कई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। ये बीजेपी के सोशल मीडिया पर आईटी सेल पर आरोप लगाए गए। लेकिन बावजूद इसके 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। 2014 के मुकाबले ज़्यादा सीटें लेकर भाजपा आई और वो सब कुछ सोशल मीडिया के इर्द गिर्द किया गया, क्योंकि 2019 का चुनाव पूरी तरह से सोशल मीडिया पर लड़ता हुआ दिखाई दिया गया और लड़ा गया। लेकिन इस सब में कांग्रेस और राहुल गांधी पिछड़ते नजर आए। लेकिन अब दौर क्या बदल रहा है, इस बात की तस्दीक 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले पहले 6 महीने पहले, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके बाद उनकी जब संसदी गई और वो सड़कों पर नजर आने लगे और चुनाव का वक्त आया, वहां से क्या राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर जो फेम था वो तेजी से बढ़ने लगा, ऐसा दिखाई दिया। और जब लोकसभा के परिणाम आए तो कुछ ऐसा होता नजर भी आया कि इसका प्रभाव पड़ा है। अब इसकी तस्दीक एक और आंकड़ा कर रहा है। सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेकर अपना तीसरा टर्म आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच संसद का जो सत्र हुआ उसमें जो स्पीच हुई, जो भाषण हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी के, वहां से एक तस्वीर निकलकर इस दफा सामने आई। हर किसी ने राहुल गांधी के उस भाषण के चर्चे किए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका ये पहला भाषण था लोकसभा में और उस भाषण के कई तरह के मायने निकाले गए और उस पर खूब चर्चाएं हुई और सोशल मीडिया में उसका प्रभाव भी देखने को मिला। अब एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प आया है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी
न केवल पीएम को टक्कर दे रहे हैं बल्कि अब आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने संसद में स्पीच दी और इस स्पीच को संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें पोस्ट किया गया। इसमें तमाम जो सांसद जो जो बोले उनकी स्पीचें भी पोस्ट की गई हैं। अब उसका जो डाटा समझ में आ रहा है उसे आप जरा देखिए। डाटा ये कहता है कि संसद टीवी के 8+ मिलियन सब्सक्राइबर हैं। पीएम की जो स्पीच लोकसभा में हुई उसके जो व्यूज पीएम की स्पीच को मिले वो 72K व्यूज थे, यानी कि 72,000 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस स्पीच को सुना। और उससे पहले जो राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी स्पीच दी थी उस स्पीच को 817K व्यूज मिले, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं आगे। राज्यसभा में जो स्पीच प्रधानमंत्री ने दी संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर उस स्पीच को डाला गया और उसमें जो व्यूज आए वो 43K व्यूज आए, 43K व्यूज राज्यसभा में दी गई स्पीच प्रधानमंत्री के द्वारा। राहुल गांधी लोकसभा में स्पीच के मामले में प्रधानमंत्री से कहीं आगे निकल गए। पहले दिन राहुल गांधी की स्पीच थी और उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ये स्पीच दी थी और इसी स्पीच का छोटा छोटा टुकड़ा यानी कि इसको डिवाइडेड कर बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसे डाला। वहाँ भी व्यूज़ के मामले में बहुत बड़े व्यूज़ प्रधानमंत्री की स्पीच को मिलते नहीं दिखाई दिए। अब बीजेपी के अलावा जब राहुल गांधी ने लोकसभा में दी गई अपनी स्पीच को अपने यूट्यूब चैनल में डाला उसे पोस्ट किया तो उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आए राहुल गांधी की स्पीच में। और अगर हम अब ये बात करें कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर प्रधानमंत्री की उस स्पीच और राहुल गांधी की स्पीच का क्या असर देखने को मिला, वहाँ कितने लोगों को देखा, तो वो भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। लोकसभा में जो स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उन्होंने राहुल गांधी की तरह ही अपने यूट्यूब चैनल पर भी उस स्पीच को डाला। और प्रधानमंत्री के अपने यूट्यूब चैनल पर जो लोकसभा में दी गई उनकी जो स्पीच थी उसमें 124K व्यूज मिले। राहुल गांधी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी स्पीच में 1 मिलियन व्यूज मिले और प्रधानमंत्री को अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी स्पीच में 124K व्यूज मिले। यानी व्यूज के मामले में लोकसभा सत्र की पहली राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो स्पीच हुई है उसमें राहुल गांधी बाजी मारते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। अब स्थिति यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोकप्रियता के लिहाज से सोशल मीडिया पर आने वाला वक्त और भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अभी भी विपक्ष में है और सोशल मीडिया में राहुल गांधी का जो उभार हुआ है वो भारत जोड़ो यात्रा कभी मजदूरों के बीच, कभी किसानों के बीच, कभी मणिपुर, हर उस जगह पर जहां बीजेपी को बैकफुट में धकेल सकते थे राहुल गांधी वो लोकसभा चुनाव से पहले वो करते रहे और अभी भी वो विपक्ष के नेता हैं और अभी भी वो यही कर रहे हैं। संसद निपटते ही हाथरस के बड़े हादसे में उनका जाना, उससे पहले मजदूरों के बीच चले जाना और आने वाले समय में राहुल गांधी ने कई ऐसे कार्यक्रम तय किए हैं, वो उन जगह पर जाने वाले हैं जहां से जाकर वो संदेश जो देंगे वो बीजेपी की दुखती रख पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे। विपक्ष में हैं, सवाल पूछते रहेंगे, जनता ने उन्हें सवाल पूछने के लायक बनाकर छोड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार में वो अगला 5 साल उन्हें पूरा करना है, तो मेलजोल की सरकार है, ये गठजोड़ कब तक कायम रहेगा उस पर भी नजर है। ऐसे में जवाब पीएम मोदी को देने हैं, सवाल राहुल गांधी पूछते रहेंगे और सोशल मीडिया में बैठा हुआ जो व्यूअर्स हैं वो तो सवाल पूछने वाले को सर आंखों पर रखते हैं। फलसफा यही है सोशल मीडिया का, आप जब तक लोगों की बात करते रहेंगे, लोगों के सवाल पूछते रहेंगे, लोग आपको सर आंखों पर बिठाते रहेंगे और इस समय विपक्ष में बैठे राहुल के लिए चांदी ही चांदी है।
सोशल मीडिया फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ये सब उन्हें मिलते रहेंगे। तो आने वाला वक्त क्या ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सोशल मीडिया पर दुनिया भर में नंबर एक की पोजीशन रखते हैं, क्या उन्हें अपने ही देश में उस शख्स से, जिसे आज से 10 साल पहले बीजेपी ने नकारा बताकर, पप्पू बताकर राजनीति से बाहर करने की कोशिश की, उसकी ओर से ये पलटवार जो दिखाई दे रहा है वो बेहद दिलचस्प है। आज के लिए बस इतना ही। किसी और मुद्दे पर किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।